फाइनली गाइस प्रसाद हमने ले लिया। तो गाइस हम शीतल जल पीते हैं। गाइस ये शीतल जल पी रहा है और हम मोनिका का जल पी रहे हैं। स्माइल। सो हे गाइस वेलकम बैक माय YouTube चैनल टू ब्लॉग्स। तो जो क्या वीडियो से चलिए करता है इसके ब्लॉग को स्टार्ट। गाइस आज हम आया मेला का चौला में। मेरा फ्रेंड बोला कि मैंने जाना है तो उसके साथ हम दोनों आ चुके हैं अभी चौला में। अभी बाबा जी के सबसे पहले दर्शन करते हैं, पीछे आप देख सकते हो। तो आपको भी दर्शन कराते हैं, फिर आपको मेला भी करते हैं। फाइनली गाइस प्रसाद हमने ले लिया, अब खाते हैं प्रसाद, फिर चलते हैं आगे का प्रोग्राम करते हैं कंटिन्यू। और गाइस जहाँ पर आप देख सकते हो उन भाई जी ने सेवा लगाई है जल की, अभी जल पीते हैं। तो गाइस हम शीतल जल पीते हैं तो फिर अपने सुकून देते हैं अपने मन को। पानी ते पानी शीतल है। गाइस ये शीतल जल पी रहा है और हम मोनिका का जल पी रहे हैं। शुद्ध होता है भाई, शुद्ध साफ सुथरा ठंडा पानी, इसकी इसीलिए उसको शीतल बोलते हैं। तो क्या हुआ मोनिका भी शुद्ध है? मोनिका भी शुद्ध है। चेक कर जाए शीतल वाटर वो मोनिका वाटर। भाई अभी बारी है घूमने की, अभी घूमते हैं और इधर से देखिए पानी छोड़ दिया है ऊपर में ही, मुझे ग्राउंड की तरफ जा रहा है। इधर से आपको ग्राउंड दिखाते हैं। भाई ज़्यादा बड़े झूले तो नहीं है बट ठीक है बच्चों बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए। तो अभी हम भी देखते थोड़ा घूमते हैं, घूमने के लिए आए हैं। तो खाने पीने के लिए आपको बता मिलूंगा हम बहुत ज़्यादा। तो ये गाइस आजकल हम पहले पूरा दिन घूमते रहते थे, आजकल हमने अपना सिस्टम चेंज कर दिया है। अगर हम आते हैं तो शाम को आते हैं तो धूप कम होती है ना, गर्मी भी कम होती है, इसलिए पहले आपको पता दिन में घूमते रहना दोपहर हो रात हो। भाई छोटा झूला लगा है आप देख सकते हो और रश देखिए और लाइन देखिए कितनी बड़ी लगी हुई है। मेन बात जो है झूला छोटा है बट लाइन बड़ी है, पता नहीं इधर क्या मज़ा आएगा। पीछे बहुत ज़्यादा रश है, आप लाइन देख सकते हो कितनी बड़ी हो गई है। और हम घूम रहे हैं तो मेरे को मैक्सिमम दुकानें लग रहा है जो होगी चले गई हैं इधर से। अभी चल रहे हैं मोमोज गोलगप्पे बहुत कुछ है खाने के लिए तो रश भी बहुत। अभी इधर को जाना, चलो इधर को चलते हैं। चेक करें यहाँ पर खिलौने भी हैं, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको अच्छा लगे, बहुत सारे हैं। चलो हम और आगे चलते हैं। गाइस अभी हमने लिया एक बर्फ का गोला, इसको खाते हैं और आपको बताते हैं क्या टेस्ट है। देखिए मेन रोड की तरफ सभी मिठाइयों की दुकान लगी है, जलेबी पकौड़ा सभी इधर यही दुकानें लगी हैं। तो अंदर ग्राउंड है जो बाबा जी का, उधर खाने पीने के और भी सामान लगा हुआ है और मेन रोड पे लगी हैं सभी दुकानें और इधर पार्किंग है। बाकी मैक्सिमम जलेबी पकौड़ी वाली दुकान लगी है। ज़्यादा बड़ा मेला तो नहीं होता, छोटा होता है पर फिर भी बड़ा ही होता है। ये क्या है? गाइस काफ़ी देर घूमने के बाद अभी हम थक चुके हैं तो घास में बैठे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे फ्रेंड तुलसी जी भी आए हुए हैं तो अभी बैठते हैं। और बता फिर तेरे को मोनिका वाटर कैसा लगा था? ठीक था। पहले तो वैसे मोनिका वाटर अच्छा था?
गाइस मैंने आज पहली बार सुना मोनिका वाटर शीतल जल के, तो शीतल वाटर के बारे में तो मेरे को पता है कि मैंने देखा पढ़ा भी होता है शीतल जल। पानी ते पानी शीतल है जे आज पहली बार मोनिका जल देखा मैंने, पिया तो नहीं मैंने बट बोलते हैं शाम के टाइम आना, शाम के टाइम आना, शाम के टाइम भी गाइस बड़ी ज्यादा गर्मी है तो देखो चलते हैं घर में 5-10 मिनट बाद। भाई लोग होंगे तो गर्मी तो होगी, लोग नहीं होंगे तो फिर गर्मी कहाँ से होगी, जहाँ क्राउड होगा वहाँ गर्मी होगी। कोई बात नहीं, यही दिन है, फिर अगले साल ही आने हैं मेले, कोई बात नहीं, इतनी सी गर्मी झेल लेते हैं। और देखिए जो इनका घर पास में है वो छत के ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं, भाई हम भी जा रहे हैं उनकी छत पे, हमें जाने नहीं देंगे। देखिए सभी लोग अपना अपना सामान धीरे धीरे पैक कर रहे हैं, तो देखिए गाइस सभी अपना अपना सामान पैक करके घर को जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी चलते हैं कोई 10 मिनट बाद, जब सभी चले जाएंगे हमने सबको भेज के घर फिर आना वापस। ये गाइस मिलिए रोहित JK02 से, हेलमेट तो उतारो हमारी ऑडियंस को पता चले कौन है। यार कब से वेट कर रहे थे आपका, आप क्यों नहीं आ रहे थे भाई। देखिए मेला खत्म होने को है और ये बंदे अभी आ रहे हैं, चलो फिर उतारो हेलमेट चलते अंदर। चलो भाई एक बार इधर स्माइल, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया। अभी हमने ले थे थोड़े से पकौड़े और जलेबियाँ और ये रही नहर, नहर के किनारे बैठ के और रोहित भाई बाइक पे बैठ के अभी खाते हैं फिर चलते हैं घर, अंधेरा तो हो चुका है, चलो फिर जल्दी से खाते हैं फिर चलते हैं घर, यार बहुत अंधेरा हो गया आज।